दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब आप अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को पता है नॉर्ड नॉर्ड अभी भी अगर अंडर 30,000 किसी को लेना है तो अभी भी रिकमेंड किया जाता है, जो कि स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए उसका अच्छा मतलब है और सबसे अभी भी अच्छा है। जब वो लॉन्च हुआ था अगस्त में, अब सबसे ज़्यादा हाइक उसने कहीं बनाई हुई थी मार्केट में और अभी भी चल रहा है। तो इसका अपडेट आया हुआ है, तो चलो इसके अपडेट आया हुआ है तो अपडेट को देखते हैं कि अपडेट में क्या क्या आया हुआ है। तो अपडेट हमें आया हुआ है 11.1.2, तो जो 344 MB का हमें अपडेट आया हुआ है, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो इम्प्रूव्ड पावर कंजम्पशन परफॉर्मेंस फॉर सिस्टम। हाँ, जो पावर कंजम्पशन था मोबाइल का सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब जो मुझे मोबाइल की बैटरी एक दिन आराम से चल जाती थी, तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ आधा दिन निकलता था, हार्डली आधा दिन निकलता था उसमें। तो वो उन्होंने किया हुआ है, फिक्स द इशू ऑफ पॉलिसी एंड समथिंग डार्क मोड। मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ तो मैं भी डार्क मोड ही यूज़ करता हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिक्स द इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। और उन्होंने जो 2021 का जो 3 मार्च का अपडेट है वो भी इसमें ही दिया हुआ है उन्होंने। और एक अपडेट उसने दिया है कि जब आप लोग अगर चार्जिंग पे कॉल आता है तो वो डिले होता है, मगर मुझे तो ऐसा प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे जब बैटरी को मैं चार्ज करता था तब मुझे हीटिंग इशू मुझे फेस होता था, और नॉर्मल डे टू डे यूज़ में भी वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता था। और इसमें दिया हुआ है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फिक्स दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ डिजिट रिजल्ट शोन इज डिस्प्ले एब्सोर्बली। मतलब जो डिस्प्ले होता था वो चला जाता था। तो चलो इसको करते हैं अभी इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो ही रहा है, देखते हैं। मुझे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आए हुए थे जो कि मैंने फेस किए, और अभी उनको मतलब कम्युनिटी के साथ डिस्कशन भी किया। और एक वन प्लस का एक बात अच्छी लगती है कि उनकी जो कम्युनिटी और उनका जो क्वेश्चन आंसरिंग का होता है तो बहुत ही जल्दी से वहाँ से रिप्लाई आता है। अगर आप कुछ उनको देते हो या कुछ बताते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, तो वो जल्द से जल्द उस पर ट्राई करते हैं कि रिजॉल्व करे। और कई बार तो मैं कस्टमर केयर सर्विस को भी अगर आप कॉल करते हैं तो वो भी आपको वो उसी तरह से हेल्प कर देते हैं। और मैंने परसों ही वापस से कम्युनिटी को डाला हुआ था कि मोबाइल मेरा ड्यूरिंग चार्जिंग हीट होता है बहुत, और मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और मुझे आज अभी अपडेट आया और मैंने अभी ये बनाई और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पे चैनल पे। तो देखते हैं अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हुए, जो बग हमें फेस हो रहे थे वो अगर सॉल्व हुए तो अच्छा है। तो चलो इसको करते हैं अभी रिबूट। तो दोस्तों, जल्दी से हम मोबाइल को रिबूट कर लेते हैं और देखते हैं कि जो बग्स इन्होंने दिए हुए थे और जब हम फेस करते थे वो सॉल्व हुए कि नहीं। तो दोस्तों, हमने मोबाइल को रिबूट कर लिया है, यहाँ पे अभी दिख रहे हैं फिनिशिंग सिस्टम अपडेट। तो चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि वही मतलब वो दिखाएगा कि क्या क्या उन्होंने फिक्स किया हुआ है सिस्टम का। इम्प्रूव्ड कंजम्पशन बैटरी, बाद में पॉलिसी उन्होंने कहते की हुई है, बाद में वापस से इनकमिंग कॉल का डिले हो रहा था वो किया हुआ है, फिक्स द अपडेट इशू। तो ये सच में किए हुए कि नहीं हम देखते हैं। हम भाई सिस्टम अपडेट में जाके देखेंगे तो सिस्टम अपडेट में वो दिखाएगा अभी न्यू बैच जो कि है 11.1.2 AC01DA। उसमें वही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखते हैं अभी सिक्योरिटी में जाके कि वहाँ पे भी जो मार्च 3 का अपडेट दिया हुआ है उन्होंने वो दिख रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि 1 मार्च 2021 का अपडेट, यहाँ पे भी 1 मार्च आ चुका है, तो जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आ चुका है। तो अगर उसमें एक बग्स दिया होता कि कैलकुलेटर का इशू है जो कि डिले होता है। तो अभी हम देखते हैं रैंडमली कुछ तो भी नंबर डाल के, तो वैसे तो कुछ दिखा ही नहीं दे रहा है, जो कि मतलब अगर होगा तो वो हो गया होगा सॉल्व, क्योंकि मैं इतना कैलकुलेटर यूज़ करता ही नहीं हूँ तो इसलिए, मगर सॉल्व हो गया है। तो इसको अभी बड़ा स्क्रीन करके भी देखते हैं, मगर कुछ डिले हो ही नहीं रहा है, सब नंबर जो है वो शो हो रहे हैं। जो कि अभी सेकंड इसमें दिया हुआ था कि सिस्टम पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी उसको इम्प्रूव किया हुआ है। इम्प्रूव पॉलिसी में जाएंगे हम, प्राइवेसी पॉलिसी, तो वहाँ पे देखें तो ये तो स्मूथ चल रहा है, यानी इसमें तो कुछ नहीं आया होगा। ओके, तो अभी देखेंगे हम कि जो इनकमिंग कॉल है उसमें दिया हुआ है कि इनकमिंग कॉल का भी जो आ रहा है डिले हो रहा है।
तो वो भी देखते हैं। अभी चार्जिंग को हम मोबाइल लगाएंगे, तो मोबाइल चार्जिंग लगा के हम एक कॉल करके देखेंगे अगर वो भी हो रहा है कि नहीं, वो देखते हैं। तो हम जल्दी से मोबाइल को पहले चार्जिंग पे लगाते हैं। तो हमने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया हुआ है, तो अभी कॉल करके देखते हैं। जो कि अभी मुझे कॉल किया, हमने कॉल किया हुआ है मगर कुछ डिले नहीं हो रहा है, जो एज इट इज़ हो रहा है। मतलब जो एक्चुअली मैं फेस कर रहा था वो इशू, जब मैं नॉर्मली भी अगर कुछ काम कर रहा हूँ तभी मुझे ये अपडेट जो मतलब आया हुआ है, जो कि डिले होता था, वो मुझे एक्चुअल में डिले होता था कॉल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर कुछ बग्स या कुछ इशू आपको फेस हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं भी देखता हूँ, अगर मुझे ये अगर फेस होते तो मैं ज़रूर कम्युनिटी को ये शेयर करूँगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बाय।